वेलकम बैक टू जागो लाहौर। हमारे पास हमारे इतने खूबसूरत से मेहमान तो मौजूद हैं, उनसे दोबारा से हम बात कंटिन्यू करेंगे। सर, इतने ज्यादा मेडल्स हम आपके कोर्ट पर देख रहे हैं और मैंने अभी अनाउंस भी किया, जरा हम जानना चाहेंगे आपसे इन मेडल्स के हवाले से भी। जी, मेडल्स का ये है कि जो कॉम्बैट मेडल्स हैं वो तो है सितारा जुरत, बिल्कुल सितारा बसालत और तमगा बसालत फॉर करेज एंड ब्रेवरी। हिलाल इम्तियाज मिलिट्री है फॉर गुड परफॉर्मेंस एंड सितारा इम्तियाज मिलिट्री इज ऑल्सो फॉर गुड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर सर्विस। तो ये मेन मेडल्स हैं और ये जो ब्रेवरी के मेडल्स हैं इनके साथ गवर्नमेंट आपको कुछ जमीन भी देती है। सो सरफराज रफीकी वॉज गिवन 4 स्क्वेयर्स ऑफ लैंड विच हिज पेरेंट्स डोनेटेड बैक to the Air Force for welfare of the society. Lovely, that's the best part about it. And isi tarah M.M. Alam was also given 2 squares of land. Okay. He also donated the same to Pakistan Air Force for the welfare of the people. अच्छा सर, स्ट्रिक्ट होती है बहुत ज्यादा आपकी ट्रेनिंग्स भी, आप लोगों को सिखाया भी, ओवरऑल हम जो एक कह लें एक फाइटर जेट के जो भी पायलट्स होते हैं उन सबका ट्रेनिंग का एक क्राइटेरिया बड़ा डिफरेंट होता है। आपने जब एफओ ज्वाइन की तो आपने सोचा था कि आप अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई टफ ट्रेनिंग मिलेगी या बैक ऑफ होने का कभी भी ख्याल आया? क्योंकि आप पेट्रियाटिज्म तो बहुत ज्यादा होता है जो भी इस यूनिफॉर्म्ड होते हैं या जो भी इन फोर्सेज को ज्वाइन करते हैं। जी, आपने जो मुझसे पूछा है कि मैं पेट्रियाटिज्म की बात करूंगी कि कितने पेट्रियाटिक थे कि अगर कोई भी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग्स नहीं तो आपने उसको सही तरीके से किया, या आप लोगों को थोड़ा कभी बंदा डीमोटिवेट हो जाता है ना? जी, जो वीकलिंग्स हैं, हाँ वीकलिंग्स बिल्कुल, उनके साथ ये होता है, लेकिन हम तो तैयार होके गए थे। अच्छा, मेंटली प्रिपेयर्ड? मेंटली प्रिपेयर्ड टू रफ इट आउट। और वाकई जब आप वहां जाते हैं तो आपको जो कहते हैं ना रगड़ा लगता है और सख्त रगड़े से आप कभी घबराए नहीं? सख्त रगड़ा लगता है। पहले 6 या 9 महीने के लिए आपको चलने की इजाजत नहीं होती, आपको एक से दूसरी जगह भाग के जाना पड़ता है। अच्छा, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो जिस तरह की भी कंडीशन है। और पीटी आपकी सुबह 3 बजे होती है, लेकिन उसमें इतना मजा आता है। अच्छा जी, इट इज सो गुड व्हेन यू लुक बैक एट इट यू वंडर कि अगर ये ना होता तो फिर तो हम बुजदिल रह जाते, हम वीकलिंग्स हो जाते। और मैं इतना आपको बताता हूँ कि सब जो एयरफोर्स ऑफिसर्स या आर्मी ऑफिसर्स गए हैं थ्रू दी अकेडमीज, काकुल अकेडमी या एयरफोर्स अकेडमी एट रसालपुर, दे हैव इंजॉयड इट सो मच कि दे लाफ एट इट एंड दे से काश हम वहाँ दोबारा जा सकते हैं। फील्ड मार्शल अयूब खान वेंट थ्रू दैट, एयर मार्शल अजहर खान वेंट थ्रू दैट, जनरल रहील वेंट थ्रू दैट, सोहेल मान वेंट थ्रू दैट, एवरी senior officer who has done well in life have had to go through this tough time and has been annealed, hardened like a steel. Agar ye na ho to fir aap weak hi rahe. The biggest plus point of these academies is ke jo inme se guzra hai wo kamyab ho gaya hai. Anywhere in the world he is well respected and well known, and there has been no failure outside in the world. इतने मजबूत आपको बनाते हैं। तो मैं तो महसूस करता हूं कि जो भी अच्छे बच्चे हैं, जो इस काबिल हैं, उनको जाना चाहिए, उनको एयरफोर्स ज्वाइन करनी चाहिए, आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, नेवी ज्वाइन करनी चाहिए, एंड दे शुड गो थ्रू दिस ट्रेनिंग ऑफ द एकेडमीज। नोवेयर एल्स विल यू गेट दिस ट्रेनिंग। अपने आप सफर को देखें अभी तक के, सबसे ज्यादा एयरफोर्स में आपने किस चीज का एंजॉय किया, जिस चीज से आपको लगा कि मेरा ये फैसला या मेरी एयरफोर्स की ज्वाइनिंग सबसे बेस्ट डिसीजन था मेरे लाइफ? जी, हर मुश्किल काम को मैंने एंजॉय किया। उसकी तफसील बहुत लंबी है, मैं आपको अपनी किताब दे दूंगा नहीं, आप थोड़ी सी तफसील हमें बता सकते हैं? हमारे पास अभी टाइम है। कोई एक दो बातें होती है ना जो आपको लगता है कि मैंने अपनी जॉब में या अपने पूरे करियर में चीज सबसे ज्यादा एंजॉय की? हर मुश्किल काम जो दूसरे नहीं कर सके वो मेरे कमांडर्स ने मुझे दिया कि तुम जाओ ये मसला सॉल्व करो, और मैंने जाके किया। मसलन जब हम मेराज जहाज खरीद रहे थे 65 की वॉर के बाद, तो एमएम आलम मेरे स्क्वाड्रन कमांडर थे, एयर चीफ मार्शल हकीमुल्ला फ्लाइट कमांडर थे, एयर चीफ मार्शल फारूक फरोज खान फ्लाइट कमांडर ट्रेनिंग थे। तो जब हम फ्रांस गए
तो वहाँ पे हमें ना सिर्फ कन्वर्जन कोर्स करना था, हमें उस्ताद बन के वापस आना था एज कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर्स, ताकि हमें बार बार अपने पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए महंगे दाम उधर ट्रेनिंग ना मिले, हम वापस आके बाकी सारे मिराज स्क्वाड्रन को खुद ट्रेन करेंगे। तो उसमें जब हम वापस आए तो हमें सब कुछ करना पड़ा फ्रॉम ए टू जेड, जो कि सेटअप के वक्त करना पड़ता है, विच इज़ नॉट ऑर्डिनरी। तो वो हमने किया। उसके बाद फिर प्रमोशंस के ऊपर प्रमोशंस होती गईं। फिर एयर चीफ मार्शल जमाल ने एट वन स्टेज मुझे कहा कि भाई मसला हो रहा है, ब्रिग रोड एयरबेस में पानी नहीं है, तो मैं तुम्हें बेस कमांडर बना के भेज रहा हूँ वहाँ पे। आई वॉज ऑलरेडी कमांडेंट एयर वॉर कॉलेज। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर वो तो ग्राउंड जॉब है, मैं तो सरगोधा जा रहा हूँ एज कमांडर ऑफ पी एफ बेस सरगोधा। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे लिए मुश्किल काम है, क्योंकि मेरे 7 F6 स्क्वाड्रन्स जो हैं उनके इंजन्स इस वक्त ग्राउंडेड हैं और तुमने जाके उनको फिक्स करना है। अच्छा। तो मैंने कहा जी अगर ऐसा करना है तो फिर मैं अपनी मर्जी का एक बंदा लेके जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बताओ। मैंने कहा जी एयर मार्शल सरदार खान, अच्छा, ही हैज टू गो विद मी एंड अलायार खान। तो उन्होंने कहा बिल्कुल डन। तो मैं इन दोनों को साथ लेके चला गया। तो वहां जिस दिन मैंने टेक ओवर किया बेस को, तो मेरे दफ्तर के सामने 600 बंदा लाइंड अप था, अपने हाथ में उन्होंने एप्लीकेशन रखी हुई थी। अच्छा। तो मैंने अपने एडजुटेंट को कहा, मैंने कहा ये पहला दिन है मेरा, तो ये लोग किसको मिलना चाहते हैं? कहते हैं जी ये आपको मिलना चाह रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा भाई मुझे आज पहले दिन, लेट मी टेक ओवर फर्स्ट। खैर दे कैरिड ऑन फॉर आवर्स, दे स्टूड आउटसाइड इन द सन। फिर मैंने उनको बुलाया, उनके लीडर को, मैंने कहा जी मुझे बताएं आपका क्या मसला है। कहते हैं सर 6 महीने से हमें पानी नहीं मिला, हम नहा नहीं सके और इधर हमें ड्यूटी करनी है, तो बताएं कि पानी के बगैर हम कैसे जिंदा रह सकते हैं। मैंने कहा मैं तो यकीन नहीं करता कि तुम्हें पानी नहीं मिला, 6 महीने नहीं मिला तो तुमने क्या किया? कहता जी हमने बड़ी कोशिश की लेकिन पानी नहीं मिला। तो मैंने सरदार खान को बुलाया, मैंने कहा चलो मेरे साथ कार में बैठो, इन लोगों को साथ लेके हम इनके जो रहने सहने की जगह वहाँ पहुँचे। और वहाँ हमने देखा, इंस्पेक्ट किया, तो वाकई 6 महीने से इनको मुश्किलात हो रही थी जिस तरह अब पाकिस्तान को होने वाली, और चीफ जस्टिस इसमें कदम उठा रहे हैं इस तरह मैंने चीफ जस्टिस की तरह वहां कदम उठाया। और जिन लोगों की वजह से पानी में मुश्किलात आ रही थी उनको फिर मैंने सजा दिलवाई और जो मसले थे वो मैंने हल कराए। और मैंने उनको प्रॉमिस किया कि डोंट वरी, मैं इधर 1 साल के लिए हूँ लेकिन मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो स्विमिंग पूल खोल के जाऊँगा, पीने का पानी अलग और इतना पानी होगा और कल से होगा। तो उन्होंने यकीन नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स हमने वो फुवारे खोल दिए और जो भी मसले मसाइल थे विच वर विद इन ह्यूमन कैपेबिलिटी वो किया। और उससे मोराल इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद हुआ कि वो जो हमारे जहाज़ों के इंजन्स डाउन थे वो सारे के सारे वापस हमने ठीक कर लिए। और एयर चीफ इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें प्रमोट करना हूँ और मैं तुम्हें कामरा में भेज रहा हूँ अब चेयरमैन बना के, वहाँ पे आपने जाके इतना ही काम करना है जितना के इधर किया था, और वहाँ पे K8 को आपने बनाना है, JF-17 थंडर की बुनियाद रखनी है। अच्छा। और अप इंजीनियरिंग करनी है मशाक की, जो मैंने की। तो ये आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया। लवली 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 सब। इसके अलावा भी हम एयरफोर्स की बात करें तो ट्रेनिंग्स हमने सारा देखा कि जिस तरह से जंगों में 1971 में भी आपकी पार्टिसिपेशन रही, उसका भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हम चाहेंगे आप हमारे साथ। 1971 का भी बताऊंगा, फिर उसके बाद अरब इज़राइल वॉर का भी बताऊंगा। जरूर जरूर, अगर टाइम है तो। बिल्कुल, हमारे पास 5 मिनट होंगे। ओके, तो फिर छोटी बात 1971 की। 97 में ढाका तो जाना ही जाना था, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि फॉल ऑफ ढाका वॉज इमिनेंट, लेकिन उसके बाद इंडिया ने क्या करना है। तो फील्ड मार्शल सैम मोनिक्शा और इंदिरा गांधी का प्लान था कि ढाका के कैप्चर के बाद हम सारी फोर्सेस वेस्ट पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट करेंगे और फिर शिफ्ट करने के बाद वेस्ट पाकिस्तान के 3 टुकड़े करेंगे, सिंध अलग, पंजाब अलग और NWFP अलग, और कोशिश करेंगे कि जो जनरल तिक्का खान की आर्मड फाइटिंग कोर है
1000 टैंक्स उनको हम लल करके लाएंगे इनटू पंजाब और फिर नहरें खोल देंगे ताकि जब वो आ जाएं तो दलदल पैदा हो जाए, वापस ना जा सके। अब मसला था कि डी प्लस 10 डेज आफ्टर द वॉर टिक्का खान वॉज टू अनलीश हिज आर्मड डिवीजन, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हमारे जासूस तो सारे पकड़े गए हुए हैं, अब इनकी आर्मड डिवीजन है किधर। तो वो फिर जिम्मेदारी मेरी आई और मेरे विंग मैन थे एयर चीफ मार्शल हकीमुल्ला, हमने इधर उधर बड़ी कोशिश करके डिटेक्ट किया कि उनकी आर्मर डिवीजन किधर है, ताकि ऐसा ना हो कि जहां टिक्का खान जाएं वहीं उनकी आर्मर डिवीजन हो। तो टैंक वर्सेस टैंक अच्छी नहीं होती, टैंक्स मस्ट मनूवर इन ओपन स्पेस एंड दे मस्ट एनसर्कल द एनिमी एंड अटैक फ्रॉम द रियर, तो उसके लिए आपको जगह का पता होना चाहिए। तो हकीमुल्ला साहब ने और मैंने इंडियन टैंक्स को ढूंढा इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जो कि बहुत मुश्किल काम था, एक बहुत ज़्यादा डिप्लॉयड थी। और उसके बाद फिर हमने बताया, जीएचक्यू को बताया कि उनकी टैंक जो फॉर्मेशन है इंडियन 500 टैंक बिल्कुल आपके आमने सामने हैं, तो प्लान फिर बदले गए ताकि टिक्का खान टैंक वर्सेज इंडियन टैंक्स आपस में ना टकराएं और इनसर्कल करें। तो प्लान्स बदले गए फॉर द फेवर, क्योंकि अगर हमारे टैंक्स दलदल में फंस जाते तो हमारे लिए मुश्किल होती वॉर के बाद। सो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने आपको जिक्र कर दिया है, बिल्कुल मुजीद मेरी बुक में है, उर्दू बुक में, इसमें नहीं, उर्दू बुक में। आपसे मैं भी वो बुक भी लूंगी। अभी आपने इसराइल फाइट के हवाले से भी बताया। जी, इसराइल फाइट का ये है कि मुझे ऑर्डर मिला एयर मार्शल रहीम खान का, दिस इज बैक इन 1972, कि कर्नल गद्दाफी 110 मेराज जहाज खरीद रहे हैं और आपने जाके तो इनकी एयरफोर्स को बनाना है, उसको ऑपरेशनल करना है ताकि बवक्त ज़रूरत इनके भी काम आए और अगर पाकिस्तान एयरफोर्स को ज़रूरत पड़े तो एक आध स्क्वाड्रन हम भी ले सकें उनसे। तो मैंने कहा यस सर बिल्कुल। तो उनको सलाम करके मैं निकल आया और उधर कर्नल गद्दाफी के पास लिबिया आ गया, उनकी एयरफोर्स को इंडक्ट किया, उसको ऑपरेशनल किया और वहाँ मुझे पता चला कि हुस्नी मुबारक जो इजिप्शियन कमांडर इन चीफ हैं और अनवर सादात, इनका प्लान था कि इसराइल से ऑन अ होलीडे, जो उनका होलीडे होता है योम किपर जिसको कहते हैं, अटैक करके एज अ सरप्राइज तो अबू रुदाइस ऑयल फील्ड्स वापस लेनी है और सुएज़ कैनाल जो वो इनसे ले चुके थे उन उसको भी वापस लेना है। और दोनों एसेट्स इतने ज़रूरी थे कि उनका 20-20 बिलियन डॉलर सालाना उनका लॉसेस हो रहे थे अरब्स को और अरब्स 3 जंगें हार चुके थे। तो उससे हमने पाकिस्तानी बेस्ट पायलट्स जो वहाँ गए हुए थे उन्होंने सीरिया से और इधर से इनकी मदद की और इन्हीं ट्रेंड पायलट्स ने, लिबियन एंड इजिप्शियन ट्रेंड पायलट्स ने बड़े कारनामे किए और अरब्स को अपना हदफ हासिल करने में कामयाब हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू, इतनी इंटरेस्टिंग बातें, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी वेरी वेलकम, एंड ये मैंने आपको कार्ड्स भी दे दिए। जरूर, मैं भी आपसे, जब हमारे साथ मौजूद थे फारूक उमर साहब, उनसे हमने डिस्कशन किया। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे और आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।